मैं आया हूं ये जो इंसिडेंट हुआ है बीडीएल प्रीमिसेस में हुआ है बीडीएल प्रीमिसेस में हुआ है ये रेगुलरली जो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करते हैं ये लोग इस तरीके से भी आज सुबह साढ़े दस बजे ये वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करने के लिए पांच लोग एक्सप्लोजिव वैन में लेकर वो डिस्पोजल स्पेस पे जाके आप डंपिंग करने के वास्ते गए वो लोग डंपिंग नवीन कैजुअल लेबर नवीन गौड बोल के कैजुअल लेबर डंप कर रहा था इमीडिएटली वो ब्लास्ट हो चुका है वहाँ जो अतराफ थे एम ए रजा जो ड्राइवर थे यानी कि एक्सप्लोजिव वैन के उन्होंने 50% के अंदर उनको बर्निंग हुई है और एसपी सिंह जो सीआईएफ के जवान है उन्होंने 55% उनको बर्निंग हुई है और नवीन गौड जो है उनको 100% बर्निंग हुई है क्योंकि उन्होंने डंप कर रहे थे मटेरियल ब्लास्ट हो चुका है और यस्से वहाब जो 45 साल के हेल्पर हैं वो 35% उनको बर्निंग हुई है एक ही एक शख्स एक गोपाल राव जो दूर थे थोड़ा उनको कैसे बर्निंग नहीं हुई 2% हुई है तो उनको आउट पेशेंट के लिहाज से ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया गया है अब फिलवक्त चार लोग यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपोलो डीआरडीओ में और उसमें से क्रिटिकल कंडीशन नवीन गौड़ का है वो इलाज चल रहा है अभी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आया कंचनबाग पुलिस स्टेशन में ये एरिया आता है कंचनबाग के CISI और पुलिस ऑफिशियल्स है मैं भी ये एरिया का तहसीलदार हूँ यहाँ मैं हमारे कलेक्टर और कैसे आरडीओ के इंस्ट्रक्शन से मैं यहाँ आया हूँ देखा हूँ और कंडीशन ट्रीटमेंट चल रहा है और जो एक्सप्लोजिव का स्पॉट है वो भी जाकर देखूंगा इंस्पेक्शन करूंगा करके कलेक्टर को रिपोर्ट दूंगा इसमें प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ये पूरा सेंट्रल डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो लोग काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर नहीं करते लिहाजा हम और तहकीकात नहीं कर सकते बाहर से जो पुलिस है उसके लिहाज से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आप लोग इतना इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचा सकते हैं जय हिंद जो लोग रोज का जो वेस्ट निकलता जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल वो ले जाकर एक गले में डाला करते हैं जिसके ऊपर कवर भी होता है वो डालने के बाद इमीडिएट कवर ढाप देते हैं रात में चूँकि बारिश होने की वजह से कुछ पानी लीकेज हुआ शायद अंदर तो सुबह जब ले आके 10:30 बजे मटेरियल डाले हैं वेस्ट मटेरियल तो उसके साथ ही जो है वहाँ पर पांच लोग वहाँ ठहरे हुए थे डालने वाले रोज़ की तरह इमीडिएट उसमें आग भड़की और पांच के पांच आदमी को आग के लपेट में आ गए जख्मी हो गए उसमें एक आदमी को छोटा सा जख्म था उसे डिस्चार्ज कर दिया गया पर चार लोगों में एक आदमी ज़्यादा जख्मी है बाकी तीन आदमी भी 35% 40% तक उनको जल चुके हैं पीठ का हिस्सा सामने पाँव का हिस्सा बहुत हमारे लिए दुख की बात है।